बताओ ना निहाल चाचू, ठीक है हम भी तो अपनी सारी बातें आप लोग बताता हूँ ना निहाल चाचू। अनवी नहीं समझेगा तू, और शायद मैं तुझे समझा भी नहीं पाऊंगा। वो विश्वास तोड़ने और सच्चा पाने वाले के लिए ना किसका भरोसा तोड़ा अपना निहाल चाचू। आपको पता है बचपन में ना मुझसे एक गलती हो गई थी, पापा जी का रेडियो मेरे हाथ से छुटकर टूट गया था। मैं बहुत डर गया था कि पापा जी मन्नू बहुत डांटेंगे, बहुत मारेंगे। पर आपको पता है, मैंने पापा जी ने बताया कि मुझसे उनका रेडियो टूट गया, उन्होंने पता है की कहा? उन्होंने कहा था, पुत्र जब गलती हमें समझ में आ जाती है तो वो सजा से भी बहुत बड़ी चीज होती है। वैसे ही निहाल चाचू, अगर आप लोग अपनी गलती समझ में आ गई है तो वो भी तो सजा से बहुत बड़ी चीज हुई ना। काश सब कुछ इतना आसान होता रणवीर। तुझे अभी तेरे पापा जी की याद आती है? बहुत आती है निहाल चाचू। एक बात पूछो रणवीर, वो आदमी जिसने तेरे पापा जी का एक्सीडेंट किया हो तेरे सामने आ जाए तो तू क्या करेगा बेटा? पता नहीं मैं की करूंगा, अब तो मैं उसके बारे में सोचता भी नहीं हूँ। निहाल चाचू देखो ना आज कितना अच्छा दिन है, मेरी बीजी के साथ बट्टी भी हो गई है। अपना वीरान मन्नू चल के आइसक्रीम खिला दो। निहाल चाचू अब मेरा सहारा लेकर उड़ जाओ। निहाल चाचू हाल तक मैं बहुत तक करूं, अब मैं गिराऊंगा नहीं पक्का। बीजी आप ना ऐसे अच्छे नहीं लगते, आप वापस पहले जैसे हो जाओ, जैसे पापा जी के साथ रहते थे, एकदम खुश खुश एकदम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, वापस वैसे ही हो जाओ। मैं वैसे ही देखना चाहता हूँ बीजी।
ओ बल्ले बल्ले मैंने मेरी बीवी का गुस्सा कम कर दिया। ओ बल्ले बल्ले आपकी बेटी लेकर आई है ये, मैंने मनाने की कोशिश कर रही है वो, समझाइए ना उसे। रूठी नहीं हूं, टूट गई हूं। आपके जाने से ऐसी टूटी हूं कि शायद कभी जुड़ नहीं पाऊंगी। और उससे अपने आप को कभी जोड़ भी नहीं पाऊंगी। अब समझाइए उसे, वरना उसका दिल दुखता रहेगा। और मैं नहीं चाहती कि उसे भी तकलीफ हो। जानते हैं उसकी उसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए उसे सजा भी नहीं मिलनी चाहिए। समझाइए उसे। वो रंगी में अपनी मानू देखे, साई जी में अपनी मानू देखे, पर मुझ में अपनी मानू ढूंढना बंद कर दे। बांसुरी जी, क्या मैम? अरे इतना बड़ा धोखा दिया आपने मुझे। आपने वादा किया था ना मुझसे कि आप उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखोगे, फिर भी। बांसुरी जी, है गला सी बात भी कर सकने हैं, लेकिन अभी तो ये सोचना है कि बलदेव ने जो हरकत की है उसके बारे में क्या करें। तो जी आखिर उसे सही राह दिखाना हमारा ही काम है ना। उसे सही राह दिखाने से पहले ना खुद सही राह देख लीजिए आप। ये जो बंदा अपनी बीवी को इतने सालों से धोखा दे रहा है, अपने बच्चों को क्या संस्कार देगा? बांसुरी जी, तुसी मेरी गल समझने की कोशिश करो। भस्म हो गया, पर ना, अरे इतने सालों तक आपने मुझे बेवकूफ बनाया। पहली पत्नी माने पापा जी की एक पत्नी और भी थी। अंसरी जी धीरे बोलो, धीरे। बच्चों के कमरे तक आवाज जाती होगी। अब मैंने कोई धोखा नहीं दिया आपको। अब जहां तक इन पैसों की बात है, जैसे तीज त्योहार पे अपने बलदेव और गुंजन के नाम पैसे रख देता हूँ, वैसे ही उस बच्ची के नाम पे भी थोड़े से पैसे रख देता हूँ। इतना हक तो बनता है ना जी उसका, आखिर बेटी है मेरी वो। नहीं बनता, मुझसे शादी करते ही ना सारे हक खत्म हो गए। अब आपका उस पे या उसका आप पे या इस घर की किसी भी चीज पे कोई हक नहीं है। बांसुरी जी, मैं मानता हूँ कि मैंने आपसे वादा किया था, तो वादा निभाया भी है मैंने। आज तक मिला नहीं हूँ मैं उस बच्ची से, और ये वो बिचारी बच्ची बाप के होते हुए भी बाप के साये के बिना जिंदगी बिता रही है। कल को उस बिचारी का ब्याह हो तो मेरी तरफ से कुछ तो जाए उसके नाम पे। अगर उसकी इतनी याद आती तो ठीक है, छोड़ दो मैनू और मेरे बच्चों को और रहने जाओ उसके साथ। देखो जी, मैं नहीं चाहती कि आप उस लड़की को तीज त्योहार पे भी याद करें, समझे ना। और इस पैसों पे ना सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों का हक और किसी का नहीं। तो जी कितने पैसों की बात कर रही हो आप? शगुन के थोड़े से पैसे, कोई जमीन जायदाद नहीं लिख दी उसके नाम पे मैंने। सब कुछ आपके ही बच्चों के नाम पे है, गुंजन और बलदेव के। देखो मुझे बातों में उलझाने की कोशिश मत करो, ठीक है ना। अरे आज लिफाफे भर भर के पैसे रखे, आपका क्या भरोसा कल को सारी जमीन जायदाद उसी के नाम लिखवा दोगे, तो मेरे बच्चों का क्या? गल सुन लो जी, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों का है। अरे तो उस लड़की के कारण आपने मेरे पुत्र को डांट दिया। डांटा, 100 बार डांटूंगा, क्योंकि आपके इस नलायक पुत्र ने चोरी की है। इतनी गंदी हरकत की है उसने, पर अभी तो डांटा ही है ना, अभी तो सजा भी मिलेगी उसे। कौन सी सजा? क्या गलत किया उसने? ये पैसे उसके पापा जी के हैं, और उसके पापा जी के पैसों पे उसका हक नहीं होगा तो किसका होगा? खबरदार अगर आपने उसे कुछ भी कहा तो। गलत वो नहीं है, आप गलत हो। बांसुरी जी, माँ तो दुनिया की सबसे बड़ी गुरु मानी जाती है, और वो इसलिए कि माँ के दिए हुए संस्कारों से बच्चे के भविष्य की शक्ल बनती है। पर्दा डाल रही है ना आप अपने पुत्र की गंदी हरकतों पे। पहले भी कह चुका हूँ आपको, और एक बारी फिर से
फिर से कह रहा हूं कि आप यही ममता कल को आपके पुत्र की दुश्मन बनने वाली है। बहुत पछताएंगी आप। पछताऊंगी मैं? पछताएंगे आप। अगर आपने उस लड़की से आज के बाद कोई भी रिश्ता रखा चले जाऊंगी मैं अपने बच्चों को लेके मायके। रहना फिर उसी लड़की के साथ आप। गुंजन, अरे गुंजन हाथ देना। बलदेव, अरे किस गलतियां खुशियां मना रहे हैं तू? चोरी करके बच जाने की या अपने बाप के अपमान की? पर शर्म नहीं आती है तुझे? तो एक तो गल ना मेरी कान खोल के सुन ले तू। तूने फिर से ऐसी हरकत की ना तो इस घर से बाहर निकाल देना मैंने तुझे, समझा? आंखें नीचे कर। बीजी, वीरा और मैं खेलने जा रहे हैं। दलबीर के घर पर जा रहा हूँ और वीरा गुंजन के घर पर, ठीक है? हाँ ठीक है, अंधेरा होने से पहले लौट आना। ठीक है बीजी, चल वीरा। बीजी, मैं भी कई बार खेलने जा रही हूँ तो अंधेरा होने से पहले आऊँ कि बाद में? बोलो ना बीजी। ऐसी कोई पूछने वाली गल है कि अंधेरा होने पर सब लोग अपने घर पे आ ही जाते हैं ना, तू भी आ जाना, ठीक है? चल। एक बार मैं बात कर लूंगा ना सब हो जाएगा, और मैं पिछली बार भी कितना सी ना, तू टेंशन। तो एक काम कर, तुझे मैं बाद में। गुरप्रीत, नहीं गुरप्रीत, एक बारी मेरी गल सुन ले। वो गुरप्रीत तू ऐसे कहेगी तो हमारा रिश्ता ही टूट जाएगा। नहीं गुरप्रीत, ऐसा मत। एक बार मेरी गल सुन। देखो हम कोशिश। गुरप्रीत, वो नहीं रहती। सरकार करतार इत वेख की होया। गुरप्रीत से बात कर रहा था प्रश्न, उन्होंने कह रहा था कि अपनी जिद छोड़ घर वापस आ जा, गल नहीं मंदी। तो पता है आज तो उसने मुझे ऐसी चीज कही है कि मेरा दिल ही टूट गया। क्या कहा उसने? जी उसने मुझसे तलाक मांग लिया। तलाक? गुरप्रीत, वो पागल हो गई क्या तेरी जनानी? ऐसे सोच भी कैसे सकती है वो? तो छोड़ो प्राची, वो की सोच सकती है की नहीं सोच सकती है मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है बस, और कोई नहीं जानता। वो जब से गई है ना प्राची, मैं फोन पे फोन कर रहा हूँ रोज, गाली नहीं सुनती, फोन काट देती है। आज मैंने फोन कितना उठाया तो तलाक की बात कर देती प्राची। मैं की करा तुसी दसो। करतार, अब ना बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मेरे को लगता है आप पिंड के किसी बड़े बुजुर्ग को ही बीच में दखल देना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि सानू चल के ना चाई जी नाल गल करनी चाहिए, वो गुरप्रीत को समझाएंगी तो शायद कुछ मामला सुलझे। तू चल मेरे। नहीं प्राची, कोई लोड नहीं है, कोई जरूरत नहीं। चाई जी उसको समझा भी देंगे तो क्या फायदा? तो जिस औरत के मन में अपने पति के लिए सम्मान नहीं है, उसकी इज्जत नहीं है, उससे प्यार नहीं करती उसको, तो कोई क्या समझाएगा और क्या फायदा हो? ये सब जो चीजें हैं ना, जो रिश्ते हैं, ये सब अपने आप होने वाले हैं प्राची। आप बस बस किसी से कुछ ना कहो। लेकिन करतार मेरी गल सुन, ये बातें छुपाने से छुपती थोड़ी ना, कदे ना कदे बाहर आ ही जाती हैं। तो वैसे सच कहूं ना, अब तक तो मैं भी इन औरतों को समझ नहीं पाया। इतनी सी बात का ना इतना बड़ा पहाड़ बना लेती हैं, जैसे पता नहीं क्या तोड़ने के लिए बोल दिया उन्हें। फिर
मुंह फेर के बैठ जाती है। छोड़ो प्राची, तुसी वो मेरे वास्ते अपना मन कड़वाना करो। प्राची, ये सारा खेल ना है किस्मत दा। वो जब मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो कोई क्या कर लेगा। हैरानी तो ये होती है कि दो लोगों के बीच में फर्क देखो तुसी। एक तरफ गुरप्रीत, वो नरक बना दिया था मेरा, घर झगड़ा कर करके और अब चली गई। और दूसरी तरफ रतन, रतन परछाई जी, ये औरत सब पूरन दे जाने के बाद सब कुछ अकेले संभाल, घर के सब कुछ बिना किसी गुनाह के कितना भुगत रही है, पर सब कुछ संभाल रही है। मैं भी संभाल सकता हूँ बस प्राची, खेल तो सारा किस्मत का ही। प्राची मैं चलता हूँ जरा काम। सत श्री अकाल। किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेलती है। पिंड में दो लोग हैं जिन्होंने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा है। ऊपर वाले तूने इन्हें भी कभी कुछ नहीं दिया। गुंजन दीदी, बलदेव ने बहुत डांट पड़ी होगी ना? नहीं बीरा, बीजी की जगह पापा जी को बहुत डांट पड़ी है। ताया जी नु कौन डांट सकता है, वो तो इतने बड़े हैं। हाँ वीरा, बड़े पर भी बीजी ने उन्हें बहुत डांटा। और तुझे पता है पापा जी की पहले भी एक शादी हो रखी है। अच्छा, गुंजन दीदी हम लोग दो दो शादी भी कर सकते हैं, कितनी भी कर सकते हैं। वो तो मैंने नहीं पता वीरा, पापा जी ने जिससे पहले शादी की थी ना वो तो मर गए। उसके बाद पापा जी ने मेरी बीजी से दूसरी शादी की। और तुझे पता है पापा जी की पहले शादी हुई थी, उनकी भी एक बेटी है। और वो जो लिफाफे थे ना उसमें सारे पैसे वो उन्हीं के वास्ते जमा करके रखे पापा जी ने, इसलिए बीजी से बहुत गुस्सा हो गई। गुंजन दीदी, अगर कोई मर जाता है तो दूसरी शादी भी कर सकते हैं कि? कर सकते होंगे, इसलिए तो पापा जी ने दूसरी शादी कर ली। गुंजन दीदी, अभी मेरा बिल्कुल खेलने का मन नहीं कर रहा है, मैं जा रही हूँ, बाद में खेलूंगी। ठीक है वीरा। बहुत सरपंची आती है तनु। ये आती है सरपंच आई, वो क्यों होती है? दूसरों के मामले में टांग अड़ाना। ये जरूरत ही तनु मेरे पापा जी के कमरे में आके मेरा हाथ पकड़ने की। देखना आज मैं तनु छोड़ूंगा। किया था कि नहीं वो छोड़, मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी विरासत दूर रहा कर। इसको सजा देना बहुत जरूरी है, इसकी वजह से मैंने मेरे पापा जी ने डांटा। ओए बलदेव, इसकी वजह से नहीं तेरी वजह से, तेरी गलती थी, तू चोरी करने गया था और चोरी करना गलत बात होती है। अच्छा तो तू मैनू ये बताएगा कि क्या सही है क्या गलत। ओए अपना ज्ञान अपने पास ही रख, समझा? मैं सब कुछ समझता हूँ, तुम दोनों वो क्यों कर रहे हो, जबकि तू और तेरी वीरा मुझसे जलते हैं।
सबके सामने मैंने नीचे दिखाना चाहते हैं। देख एक ही गल कर रहा है तू, मैं तुझसे क्यों जलूंगा? तेरे पास है वो, मेरे पास भी है। मेरे पास एक बहुत बड़ी चीज है जो तेरे पास नहीं है। पापा जी प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।